अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच करने मुंबई गई पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को वापस पटना लौट चुकी है। मामले की तहकीकात करने गई टीम ने पटना एयरपोर्ट पर बताया कि दिक्कत तो हुई थी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि उन्होंने अपना काम कर लिया है और कई एविडेंस कलेक्ट किए हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई से लौटने वाली टीम पटना के SSP को अपनी पूरी रिपोर्ट आज ही सौंप सकती है। इससे पहले इसी केस की जांच के लिए मुंबई गए बिहार पुलिस के IPS विनय तिवारी को महाराष्ट्र के ब्रिहन मुंबई महानगर पालिका ने जबरन क्वारंटाइन कर दिया था। पटना SP विनय तिवारी अभी भी मुंबई में क्वारंटीन है। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे के कई बार अनुरोध करने के बाद भी IPS तिवारी को रिहा नहीं किया जा रहा। DGP ने गुरुवार सुबह में ही कहा था कि अगर आज तक टीम पटना नहीं लौटी तो कोर्ट जाने पर विचार किया जा सकता है। केंद्र ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की CBI से जांच कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को बुधवार को मंजूरी दे दी। वहीं उच्चतम न्यायालय ने सुशांत को प्रतिभाशाली कलाकार बताते हुए कहा कि उनकी मृत्यु के कारणों की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। सुशांत की 14 जून को मुंबई में मौत हो गई थी। उसी के बाद इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना नीति गठबंधन को CBI जांच का कदम पसंद नहीं आया और रंकांपा नेता नवाब मलिक ने बिहार की याचिका पर न्याय अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया, लेकिन बिहार में सत्तारूढ़ जज ने कहा कि CBI जांच की सिफारिश केंद्र द्वारा स्वीकार करने के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुशांत मामले में न्याय होगा। पार्टी ने कहा कि हम यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि जांच दुनिया के सामने उस षड्यंत्रकारी खेल को उजागर करेगी जो माया नगरी में खेला जाता है। मलिक ने कहा कि एक घटना के लिए CBI जांच के नीतीश कुमार सरकार की सिफारिश संघीय व्यवस्था में किसी अन्य राज्य की सत्ता का अतिक्रमण है। महाराष्ट्र सरकार जो CBI जांच का विरोध कर रही है ने माना है कि मुंबई पुलिस जांच के लिए सक्षम है और इस मुद्दे को राजनीतिक मामला बना दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिल्ली में कहा कि कामरिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुशांत की मौत के मामले में CBI जांच का मार्ग प्रशस्त करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। मुंबई पुलिस विभिन्न कोणों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। वहीं बिहार पुलिस भी सुशांत के 77 वर्षीय पिता और पटना निवासी कृष्ण किशोर सिंह की शिकायत के बाद जांच में जुट गई। इससे पहले केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने मामले की CBI जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक प्रतिभाशाली कलाकार का निधन ऐसी परिस्थितियों में हो गया जो अस्वाभाविक है। अब उन परिस्थितियों की जांच की आवश्यकता है जिनमें यह मौत हुई। न्यायालय बिहार पुलिस की FIR को स्थानांतरित करने की अपील करने वाली अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायमूर्ति राय ने आदेश में कहा कि सारे तथ्यों पर विचार के बाद इस मामले में अपना दृष्टिकोण रिकॉर्ड पर लाने के लिए सभी पक्षों को 3 दिन का समय दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार को मुंबई पुलिस की जांच की स्थिति के बारे में अगली तारीख पर जानकारी देनी होगी। मामला अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।